सुप्रभातम। वर्तमान आम देखा सम्बन्ध पद और षष्ठी विभक्ति नंबर एक सूत्र देखा रामस्य पुत्रः क्रीडति। रामर पुत्र बा पुओटी खेलुचि। राज्ञः पुरुषः आगच्छन्ति। राजांकर पुरुष माने आसुछन्ति बा राजपुरुष माने आसुछन्ति। भक्तः कृष्णस्य पादपंकजं भजति। भक्त कृष्णंकर पादपंकज को भजुचि। एठारे रामस्य राज्ञः ओ कृष्णस्य पदत्रय षष्ठी विभक्ति अंत अटन्ति। तो यही तीनोटी पद षष्ठी विभक्ति रे अछन्ति। एही पद गुडीकर क्रियापद हेले क्रीडति आगच्छति आगच्छन्ति आउ भजति सहित कौनसी संबंध नाही। तो या सहित किसी संबंध नाही। जेमती रामस्य पुत्र रामस्य क्रीडति संगे किसी संबंध नाही। राज्ञः पुरुषः राज्ञः आगच्छन्ति एमती किसी नाही। भक्त कृष्णस्य कृष्णस्य भक्त बुझेला। तो इति क्रियापद सहित किसी संपर्क ना यी अन्य पद सहित तार संपर्क अच्छी। बरम एम संबंध वाक्य अन्य विशेष पद गुड़िक सहित यथा पुत्र पुरुष पादपंकज प्रति रही बुझेला। कृष्णस्य पादपंकजम क्रिया सहित संबंध षष्ठी विभक्ति अंत पद कारकत्व संभव हुए ना। कहीं क्रिया सहित जार संबंध हुए ना ताको आम संस्कृत कारक बोली ग्रहण करन थाउ। यह केवल सम्बन्ध पद बोली कह जाए। सम्बन्ध पद रे षष्ठी विभक्ति हुई थाए। तेणु रामस्य राज्ञः ओ कृष्णस्य इत्यादि पद सम्बन्धे षष्ठी वा बोली सूत्र रे षष्ठी विभक्ति अंत हेले। तो यही जो पद गुड़िक एटा सम्बन्ध षष्ठी बोलिकी तार षष्ठी विभक्ति होइछै। सम्बन्धर प्रकार असंख्य अनेक प्रकार सम्बन्ध अछि। तेव उपर्युक्त तीनोटी वाक्य यथाक्रमे जन्य जनक पिता पुत्र जन्य जनक बोले जन्य जनक पिता पुत्र स्वामी स्वस्वामी भाव भाव ठीक अच्छे मालिक आ चाकर अवयवायवी भाव अंगांगी भाव सम्बन्ध देखा जाए। बहुत गुड़े सम्बन्ध अच्छी। तो यही सम्बन्ध गुड़िक देखा जाए थाए। तापरे आम देखा महर्षि पाणिनी अष्टाध्यायी घंटे छटी कारक विषय आलोचना करी कहिले आउ जहा रहिला अवशिष्ट से स्थान रे षष्ठी विभक्ति हेब। एहाकु शेषे षष्ठी बोली कहा जाए। एहाकु सम्बन्ध माने षष्ठी बोली बुझिबाकु हेब। तो शेषे षष्ठी बा सम्बन्धे षष्ठी बोली भी हेब। देखिबा नंबर दुई वंदे गुरुहु चरणयुहु गुरुंकर चरण दुईटी को वंदना करसे। भक्त शंकरस्य पादयुः भजति भक्त शंकर शिवंकर पाद दुईटी को भजुचि। तावत् भयस्य भीतव्यम ताहा हि भयर कारण। तो बहुस्थळरे कारक विभक्तिर संभावना थिले मध्य सम्बन्ध विवक्षारी षष्ठी विभक्ति होइथाए। तो सम्बन्ध विवक्षारी बोले षष्ठी होइथाए। उपर लिखित वाक्य गुड़ी करी चरण प्रभृति कर्माधिकारक स्थले सम्बन्ध विवक्षारे षष्ठी होइछि। तो कर्म शब्द जगारी ठीक अच्छे सम्बन्ध विवक्षा बोले गुरुंकर चरण ठीक अच्छे गुरु हो चरण जो। तो यही स्थल सम्बन्ध विवक्षारे षष्ठी होइछि। तापरे देखिबा तीन धनस्य हेतु हो विदेशम गच्छति। धनस्य हेतु हो धन जोगु बा धन पाई विदेश को जाउची। शीतस्य हेतु कंपते शीत जोगु कंपुची। अध्ययनस्य हेतु अहम भुवनेश्वर तिष्ठामि मु अध्ययन कारण रूपा पाठ पढ़ा को भुवनेश्वर रहुची। वाक्य हेतु शब्द साक्षात प्रयोग होते हेतुवाचक बा निमित्त बोधक शब्द ठारे षष्ठी व्यक्ति होइथाए। एठारे विदेश गमन कारण धन थरिबार कारण शीत और भुवनेश्वर रहिबार कारण अध्ययन होइथिबार कारण बाची धन शीत और अध्ययन शब्द रे षष्ठी विभक्ति हेला। एहाकु हेतु प्रयोगे षष्ठी बोली कहा जाए। तो एहाकु हेतु कारण रु षष्ठी बोलिकी आम कहिबा पंचमी विभक्ति रे भी होइथाए। किंतु एटा साक्षात माने हठात माने सामना सामनी बा कम समय रे जेथिबा जो बुझेला ताको कहा जाइछि ठीक अछि। तापर देखिबा चार केन हेतुना अत्र आगच्छसि क्यों कारण तुम एठाकु आसीछ। कस्मात् हेतुः बालकः क्रन्दति क्यों कारण बालकटी कांदुछि। कस्य हेतुः सः पलायितः
କେଉଁ କାରଣରୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ହେତୁ ଶବ୍ଦ ସହ ଯଦି ସର୍ବନାମ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଉଭୟ ହେତୁବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଓ ସର୍ବନାମ ବାଚୀ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ପଞ୍ଚମୀ ଓ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ନିମିତ୍ତ ଓ ତଦର୍ଥବାଚୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସର୍ବନାମ ଓ ନିମିତ୍ତବାଚକ ଶବ୍ଦଠାରେ ପ୍ରାୟଶଃ ପ୍ରଥମା ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କୋ ହେତୁ କମ୍ ହେତୁ କେନ ହେତୁ ନା କସ୍ମୈ ହେତବେ କସ୍ମାତ୍ ହେତୁ ହୋ କସ୍ୟ ହେତୁ ହୋ କସ୍ମିନ୍ ହେତୁ। ତ ଦେଖେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ହେତୁବାଦକ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସର୍ବନାମ ପଦ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି କେଉଁ କାରଣରୁ ହେଲା, ତ କସ୍ୟ ହେତୁ ହୋ ଏଇଟା ସର୍ବନାମ ପଦ, କିମ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତ ତାର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଉଭୟ ହେତୁବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟା ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହାର ମାନେ ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଠିକ ଅଛି, ହେତୁବାଚକ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ପୁତ୍ର ମାତୁ ମାତରମ୍ ସ୍ମରତି, ପୁତ୍ର ମାତାଙ୍କ ବା ମାତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କର କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ଦୟସ୍ୱ, ଦରିଦ୍ରକୁ ଦିଅ ଦରିଦ୍ରମ ଦୟସ୍ୱ, ଗ୍ରାମସ୍ୟ ଇଷ୍ଟି ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ବା ଇଚ୍ଛା, ଗ୍ରାମ ଇଷ୍ଟି ଗାଁର ଇଚ୍ଛା। ତ ଦେଖି ସ୍ମୃ ଧାତୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ, ଦୟା ଧାତୁ ଦୟା କରିବା, ଇସ୍ ଧାତୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମକାରକଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଏ। ତ କର୍ମକାରକଠାରେ ଏଠି ବିକଳ୍ପରେ ତାର ବଦଳରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍, ରାମ ଗଚ୍ଛତି, ରାମର ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍ ରାମ ଗଚ୍ଛତି ରାମର ଯିବା। ଧନସ୍ୟ ଦାନମ୍ କୁରୁ ଧନମ୍ ଦେହି, ଧନ ଦିଅ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ପଠନମ୍ ଭବତି, ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପଠତି, ବ୍ୟାକରଣର ପଠନ ହେଉଛି ବା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି। କୃଦନ୍ତ ପଦର କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। କୃଦନ୍ତ ପଦ କୃଦନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଗମ୍ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଗମନମ୍, ଗମ୍ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଗମନମ୍ ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯୋଗେ ରାମଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି। ଠିକ ସେଇଠି ଦାନମ୍ ଆଉ ପଠନମ୍ ଏଠି ବି ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ତ କୃଦନ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ଧନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଠାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ଏହାକୁ କୃଦ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କୃଦନ୍ତ ପଦର କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ଉଭୟ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମ ହିଁ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଏଠି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ଅଛି, ତାକୁ କୃତ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ କରୋତି ଠିକ ଅଛି, ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ କରୋତି। ତ କୃଦନ୍ତ ପଦର କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଉଭୟ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ, କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ଠିକ ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ହିଁ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କର୍ମର ହିଁ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ ବୁଝିଲା। ପଥିକ ଜଳସ୍ୟ ପାନମ୍ କରୋତି, ପଥିକ ଜଲମ୍ ପିବତି ଠିକ ଅଛି, ଜଳସ୍ୟ ପାନମ୍ କରୋତି ଜଲମ୍ ପିବତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିବାଲା କର୍ମ ଅଛି ତାର ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଅଛି। ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ନକମ୍ ପଶ୍ୟନ୍ ଅହସତ୍, ଶିଶୁଟି କ୍ରୀଡ଼ନକ ବା ଖେଳନା ଦେଖିକି ହସିଲା। ଦୈତ୍ୟାନ୍ ଘାତୁକ ହରି, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ହେଲେ ହରି ମାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ଗନ୍ତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଛାତ୍ର ଗୃହମ୍ ଗତବାନ୍, ଛାତ୍ରଟି ଘରକୁ ଗଲା। ଧନମ୍ ଦାତା, ଧନ ଦେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଧନମ୍ ଦାତା ଧନସ୍ୟ ଦାତା। ଇଦମ୍ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ମୟା ସୁକରମ୍, ଏହି କାମଟି ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ଅଟେ। ତ ଏଠି ହେଲା ଶତ୍ରୁ ସାନଜ କତକ୍ତ ତବତୁ ଉକ ତ୍ୱା ଲିଅ ତୁମୁନ୍ ଖଲ ତୃଣ, ଶୀଳ ଭାବ ଶୀଳ ବା ସ୍ୱଭାବ ଅର୍ଥକ ପ୍ରଭୃତି କୃଦନ୍ତ ପଦ ଥିଲେ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କୃତ ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ପଶ୍ୟନ୍ ହେଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ, କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯୋଗେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କ୍ରୀଡ଼ନକ ପଦର ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଘାତୁକ ଗନ୍ତୁମ୍ ଗତବାନ୍,
दाता इत्यादि कुजंत पदर प्रयोग थिले मध्य दैत्यान विद्यालयम गृहम धनम ठारी षष्ठी व्यक्ति हेला नाही किंतु त्रुच प्रत्यय होईथिले सेठारे कृत जुगे षष्ठी हेबार विधान अछि जगतस्य जगतः कर्ता कृत त्रुच कर्ता धन त्रुच दातृच दाता इत्यादि व्यक्ति बुझाऊ तेणु सम्बन्धे षष्ठी धनम दातृन धन देवारे अभ्यस्त व्यक्ति को बुझाऊ ठीक अच्छे तेणु कर्म काल करी द्वितीय व्यक्ति होला द्वितीय व्यक्ति होता है। नंबर आठ क इदम मम मतम यह मोर मत अटे विद्वान सर्वेशा पूजित विद्वान समस्त पूजा पाए सह मम विद से मो द्वारा जना जाइछि अर्थात मुझे जानी वर्तमान काल रे कतक्त प्रत्यांत पद योग होइथिले कर्ता ठारी षष्ठी व्यक्ति हुए ठीक अच्छे मतन मत योगक्त पूजित पूत योगक्त विदित विद योगक्त ठीक अच्छे प्रत्यय शब्द हेले तार षष्ठी व्यक्ति हुए पूर्व पद किंतु भाववाच्य विहित जदि भावना होइथिबो ताले कर्त प्रत्यांत पद कर्ता ठारी विकल्प रे षष्ठी हुए मम हसितम मोर हस हसीबा तब जीवितम तुमर जीवित बंचीवा यठार मया हसितम और त्वया जीवितम मो द्वारा हसा जा तुम द्वारा बचा जा तुम बंचीवा यहपरि भी पार तापर देखा नौ नंबर बालकस्य बालकिन चंद्र दर्शनीय बालकर चंद्र देखा उचित बालक द्वारा चंद्रटी देखा उचित छात्रस्य छात्रीण पुस्तक पठितव्यम छात्रस्य छात्रर पुस्तक पढ़िबा उचित किंबा छात्र द्वारा पुस्तक पढ़िबा उचित भक्तस्य भक्तेन सव्य हरि भक्तर हरि सेव्य अटि बा हरि सेवार योग्य अटि किंबा भक्त द्वारा हरि को सेवा करिबा उचित अटि कृत्य तव्य अनिय य तृणीय क्य प्रत्यांत पद योगे कर्तार विकल्प रे षष्ठी हुए कृत्य प्रत्ययरे तव्य अनियड य तृणियत आउ क्य प्रत्यय हेले कर्ता ठारे शक्ति षष्ठी व्यक्ति हुए ओ पक्षी अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र तृतीय व्यक्ति होता है तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया उपरी लिखित उदाहरण गुड़ी दर्शनीय दृश योग अनिय पठितव्य पढ़ योगतव्य सेव्य सेव योग जत व्यवहार होइतिबारु कर्ता बालक और छात्र उभयटरी विकल्प रे षष्ठी और प्रखी तृतीय व्यक्ति होई अछि तो एटा हला कृत तृतीय प्रत्यय हला तो यार प्रयोग रे हेइ अछि तापर देखिबा रामेण रामस्य तुल्य राजा नास्ति रामस्य तुल्य रामक तुलना माने परि राजा नाही रामेण तुल्य तव तुला नास्ति तुम तुलना नाही तुम उपमा नाही तुल्यार्थक तुल्य सदृश समान सम प्रभृति शब्द जोगे जहाँ सहित तुलना करा जाए था तार विकल्प रे षष्ठी हुए तृतीया पक्षी केतक पक्षी तृतीया व्यक्ति हुए किंतु तुल्यार्थक तुला उपमा शब्द जोगे केवल षष्ठी व्यक्ति हुए अतुलोपभ्यम तो तुलनार्थक शब्द हेले षष्ठी व्यक्ति होई अछि एगार नंबर देखा नदी नाम नदीसु गंगा पवित्रतमा नदी मानक नदीसु गंगा पवित्रतमा पवित्रतम अटे बा नदी मानक नदी नाम ठीक अच्छे बालका नाम बालक मानक जमती नदी नाम नदी मानक गंगा पवित्र अटे प्राणी नाम प्राणी मानक नड़ाह श्रेष्ठ बोले प्राणी मानक मनीष श्रेष्ठ अटे गच्छसाम बा गच्छत्सु धावन द्रुततम जाऊथिबा व्यक्ति थारु जे दौड़ुचि तार माने सी शीघ्रतम बा द्रुततम क्षिप्र अटे जेउठी समुदाय बा समष्टि रु कोनोसी जाति गुण क्रिया बा संज्ञा वाचक शब्द गोटे पृथक करा जाए सेही समुदाय बोधक शब्दर सप्तमी षष्ठी बा सप्तमी हुए याकु निर्धारण षष्ठी और सप्तमी बोली कहा जाए तो यहाँ निर्धारण षष्ठी और सप्तमी बोली कारण कहे समुदाय को षष्ठी व्यक्ति होता है कि सप्तमी नदी मानक गंगा प्राणी मानक नर चलुवा लोक मध्य दौड़ुवा लोक को पृथक कर नदी प्राणी और गच्छ शब्दर षष्ठी और सप्तमी व्यक्ति है।
ग्रामस्य ग्रामा दूरे नदी बहती ग्राँर दूरे कि गाँ ठार दूर नदी बहुचे गृहस्य गृहात अंतिके क्षेत्रम अस्ति घरर निकटरे क्षेत्र अच्छी किंवा घर ठारु पासरे क्षेत्र अच्छी दूर और समीप अर्थ समीपार्थक शब्द जोगे पंचमी और षष्ठी व्यक्ति हुए दूर किंवा निकट शब्द जोगे षष्ठी व्यक्ति होइथाए जेला तापरे देखिबा तेर नंबर अग्नि ही काष्ठानाम काष्ठेन तृप्यति अग्निटी काठरे तृप्त होइनथाए काष्ठमानक द्वारा तृप्त होइनथाए पथिक शीतल जलानाम तृप्यति किंवा शीतल जल ही तो पथिकटी बाटोईटी शीतल जल रे तृप्त होइथाए तृप्त्यार्थक पद जोगे करण कारक ठारे विकल्प रे षष्ठी व्यक्ति हुए यदि आम तृप्ति शब्द प्रयोग करवा तो विकल्प वा ता प्रतिबदल केतेक स्थान रे षष्ठी व्यक्ति आम करिबा याको तृप्त्यार्थक षष्ठी बोली कहि चौदह बालिका जलस्य कृते गच्छति बालिकाटी जल पाई जाउछि तव कृते किम करिष्यामि तम पाई मु कोण करिबि निमित्त अर्थरे पाई अर्थरे कृते शब्दर प्रयोग होइतिले षष्ठी व्यक्ति हुए तो कृते शब्द यदि प्रयोग हेबा ताहले सेठारे भी षष्ठी व्यक्ति होइथाय तापरे पंद्रह पितुः रुदतः पितरी रुदति पुत्रः आगच्छत् ठीक अच्छे मम पश्यतः मयि पश्यति काकः पिष्टम् पिष्टकम् अनायत् पितुः रुदतः पुत्रः आगच्छत् पितांक ठारु बा कांदी कांदी पिलाटी चलीगला हला तो पितुः रुद पितांक ठारु हला पितरी रुदति बापांक ठारी कांदी से चलीगला तो मम पश्यत मोर देखु देखु काकह पिष्टकम अनयत मु देखु थिबा बेले काउटी पिठाटी को नै गला मई पश्यति मोर देखिबारे भी देखु थिबा समय ही काउटी पिठाटी को नै गला जहाकु अवज्ञा बा अनादर करी कार्य कराए तार षष्ठी किंवा सप्तमी व्यक्ति हुए हला पिताक ठारे कांदि कांदि कि एटा अनादर आउ मोर देखु देखु से नै गला यहाँ अनादर षष्ठी बा सप्तमी बोली कह जाए तापरे हम देखा नंबर षोलह षोलह नंबर निम्नलिखित पद मान जोगे षष्ठी व्यक्ति हुए पूर्वतः पूर्वरे भारतस्य पूर्वतः बंगोपसागर भारतर पूर्वरे बंगोपसागर अच्छी पश्चिमतः पश्चिम रे उत्कलस्य पश्चिमतः छत्तीसगढ़ तो उत्कलर पश्चिम रे छत्तीसगढ़ अच्छी उत्तरेण उत्तरात उत्तरतः भारतस्य उत्तरीण उत्तरात उत्तरतः हिमालय तो भारतर उत्तर दिगरे हिमालय अच्छे दक्षिणेन दक्षिणा दक्षिणतः दक्षिणरे श्रीक्षेत्रस्य दक्षिणेन दक्षिणा दक्षिणतः सागर प्रवृत्ति श्रीक्षेत्रर दक्षिणरे बा दक्षिण दिगरे सागर शोभा पाउछि उपरी उपरी एकस्य विषयस्य उपरी प्रबंधम रचयत गोटिए विषय उपरी प्रबंध रचना कर अधः बोले तले अधस्तात बोले तले भूमे अधः जलमस्ति भूमिर तले जल अछि वृक्षस्य अधस्तात पथिकः विश्रामं करोति गछर तले पथिकटी बाटोईटि विश्राम करुअछि पुरः पुर पुरतः पुरस्तात अग्रतः एहि चारोटि शब्द हला आगरि मातुः पुरतः शिशुः क्रीडति माँक आगरे शिशुटि खेलुचि गुरुः पुरस्तात् उपविश गुरुङ्कर आगरे बसिपड़ मम अग्रतः आगच्छ मु आगकु आस तो एपरि स्थलरे बि षष्ठी व्यक्ति होइथाय हला तापरे पृष्ठतः पछरि विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडा प्रान्तरम् अस्ति विद्यालयर पछपटे क्रीडा प्रान्तर वा खेल पडिया अछि दुई दुई थर अहम मासस्य दुई ग्रामं गच्छामि मु मास परे दुई थर गांकु जाउछि त्रिहि तीनि थर मुनयः दिवसस्य दिवसस्य त्रिहि स्नान्ति मुनि माने दिनरे तीनि थर स्नान करिथान्ति चतुः चारि थर वर्षस्य चतुः पुरीं गच्छेत् वर्षरे चारि थर पुरी को जीवा उचित पञ्चकृत्वः पांच थर शिशुः दिवसस्य पञ्चकृत्वः खादति शिशुटि दिवसरे बा गोटिए दिनरे पांच थर खाउछि एहिपरि षट्कृत्वः सप्तकृत्वः प्रभृति जुगरे कालाधिकरण षष्ठी व्यक्ति हेब तो एहिपरि स्थानरे भी षष्ठी व्यक्ति हेब ता कालाधिकरण हेब तो एहिपरि
पद मानक जुगर भी षष्ठी व्यक्ति होता है या आम जाने ध्यान देवा मन रख सम्बन्धवाचक पदर षष्ठी व्यक्ति होता है जहाँ सम्बन्ध थाए तार षष्ठी व्यक्ति पठनम गमनम प्रभृति भाववाचक पद जोगे षष्ठी होता है पुरतः अग्रतः इत्यादि जोगे षष्ठी होता है जो मान कारण निर्धारण व समुदाय षष्ठी होता है अनादरी भी षष्ठी तुल्य समान सम सदृश तुला उपमा प्रभृति जोगे षष्ठी व्यक्ति होता है यही शब्द जो मान जोग कले षष्ठी व्यक्ति होता है तापर कृदंत पद जोगे भी षष्ठी होता है आम मैंने आलोचना कले तो ये आम षष्ठी व्यक्ति विषय बुझे मुशा करीडियोटी तुम मानक पाठ पढ़व सहयोग कर निहाती भल हेबो बोली मोर आशा ओम सो।